हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीजलॉग्स। आज हमारे पास आई है टाटा की 407। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें फॉल्ट कोड जो है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, सिलेंडर टू इंजेक्टर का आ रहा है, किलोमीटर सेंसर का है, रेल प्रेशर ट्रिम टू हाई टू लो का भी फॉल्ट कोड है। गाड़ी में यह दिक्कत हो रही है कि गाड़ी जो है चलते चलते अपने आप बंद हो जाती है और फिर दोबारा स्टार्ट नहीं होती, आधा घंटा के बाद फिर दोबारा स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट किया, ये आप देखो, गाड़ी को हमने अभी स्टार्ट किया, ट्रबल कोड जो था उसको हमने क्लियर कर दिया है। ये गाड़ी अभी हमारी प्रॉपर स्टार्ट हो गई है, रेल प्रेशर भी हमारा अभी सही बन रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि गाड़ी जो अभी हमारी स्टार्ट है, अब हम गाड़ी को रेस कर रहे हैं और रेस करते ही गाड़ी में से एक साउंड आएगी और गाड़ी जो है वो बंद पड़ जाएगी। बंद, जैसे कि आप देख सकते हो गाड़ी अब जो है बंद पड़ गई। इस कंडीशन में फॉल्ट कोड मैं आपको दिखाता हूँ कि फॉल्ट कोड क्या आ रहा है। ये आप देखो, फॉल्ट कोड इसमें व्हीकल स्पीड का है और फिर आपका जो है फॉल्ट कोड एक आ रहा है 5 वोल्ट सप्लाई एरर का। इसी के वजह से गाड़ी जो है हमारी बंद पड़ रही है। गाड़ी के जो वायरिंग है उसमें कहीं पर शॉर्ट सर्किट है, जिस कारण गाड़ी जो है बंद पड़ जा रही है और इसके बाद गाड़ी दोबारा स्टार्ट नहीं हो रही है। अगर हम स्टार्ट करने की कोशिश भी करते हैं तो ओनली क्रैंकिंग हो रहा है, बट गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं हो रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हो फॉल्ट कोड इसमें यह आ रहा है, अगर हम इसको क्लियर भी करते हैं ट्रबल कोड को तो ये क्लियर नहीं हो रहा है। 5 वोल्ट सप्लाई जो एरर का फॉल्ट कोड है वो इसमें रह जा रहा है और व्हीकल स्पीड का फॉल्ट कोड आ रहा है। और गाड़ी को अगर हम स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो गाड़ी जो है वो हमारी स्टार्ट नहीं हो रही है, ओनली क्रैंकिंग होता है। इसके बाद अगर आधा एक घंटा छोड़ देते हैं तो फिर ये 5 वोल्ट सप्लाई का जो फॉल्ट कोड है ये हमारा हट जाता है और फिर गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो प्रॉब्लम गाड़ी में ये है। तो आगे आप इस वीडियो में देखते रहिए, आगे मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम को हमने कैसे सॉल्व किया। ये आप देख सकते हो इसकी वायरिंग में प्रॉब्लम है, इसका हमने पूरा डैशबोर्ड निकाल लिया है, पूरा डैशबोर्ड का वायरिंग हमने उतार लिया है और इंजन वायरिंग भी उतार लिया है। अब जो है इसको हम कर रहे हैं रिपेयर। जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारा जो मैकेनिक है ये लगा हुआ है इसको रिपेयर करने पे, पूरी वायरिंग इन्होंने खोल दी है। ये आप देख सकते हो फ्यूज़ बॉक्स, ECM सारा कुछ हमारा निकला हुआ है, पूरी वायरिंग अभी रिपेयर हो रही है। मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम वायरिंग में हमें कहाँ मिली। ये इधर में भी पड़ी हुई हमारी वायरिंग, इंजन और डैशबोर्ड दोनों का ही। ये आप देख सकते हो एक जगह में प्रॉब्लम यहाँ मिली, फिर ये प्रॉब्लम यहाँ पर भी है, और भी मैं आपको दिखाता हूँ आगे वीडियो पे, काफ़ी जगह जो वायर है वो इसमें शॉर्ट सर्किट हो गया है। ये वायरिंग में आप देख सकते हो काफ़ी जगह शॉर्ट सर्किट होने के कारण इसका जो पंप है वो भी गाड़ी का हमारा ख़राब हो चुका है। तो पंप रिपेयर की वीडियो जो है वो हमने ऑलरेडी चैनल पर डाली हुई है, आप आई बटन पर देख सकते हो। अभी आप देख सकते हो वायरिंग को हमने रिपेयर किया है और उसके बाद गाड़ी को हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने के बाद आप देख सकते हो इंजन में नॉकिंग साउंड है, और मैं आपको फॉल्ट कोड चेक करा देता हूँ कि वो जो 5 वोल्ट सप्लाई का जो फॉल्ट कोड आ रहा था वो आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। एक बार हम जो ट्रबल कोड है इसको हम क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद आपको चेक कराते हैं। गाड़ी अभी हमारी स्टार्ट है और इंजन में से नॉकिंग की साउंड आ रही है। मैं आपको ट्रबल कोड चेक कराता हूँ। ये हम जाएंगे ट्रबल कोड पर। ये आप देख सकते हो अभी ओनली इस पर EGR का फॉल्ट कोड जो है वो आ रहा है। तो इससे रिलेटेड भी हमने इसका जो EGR का स्विच है वो हमने मॉड्यूलेटर बदल दिया है, मैं आपको चेक कराता हूँ। बाकी रेल प्रेशर भी मैं आपको लाइव डाटा पे दिखाता हूँ कि रेल प्रेशर अभी हमारा सही है। गाड़ी को हम रेस करके भी दिखाते हैं आपको। अभी आप देख सकते हो आइडल पे जो है नॉकिंग कर रही है, इसका जो एक इंजेक्टर है वो जो है वो फंस गया है, तो उसको हम खोल के क्लीन कर लेते हैं उसके बाद आपको चेक कराते हैं। बाकी गाड़ी में कोई फॉल्ट कोड जो है वो ऐसे नहीं है। इसका जो EGR का जो मॉड्यूलेटर है वो भी हमने नया लगा दिया है। जैसे कि आप देख पा रहे हो नॉकिंग साउंड इसमें से आ रही है, एक सिलेंडर इसका काम नहीं कर रहा है। बाकी रेल प्रेशर हमारा सही है, गाड़ी रेस भी हो रही है प्रॉपर। इसके बाद मैं आपको इंजेक्टर को सही कर लेता हूँ, उसके बाद आपको चेक कराता हूँ कि कोई फॉल्ट कोड आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अभी हमने इंजेक्टर को सही कर दिया है। अब गाड़ी को हम स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसमें जो नॉकिंग साउंड है वो भी नहीं आ रही। ये स्विच जो है इसका टूट गया था,
इसको हमने बदल के नया लगा दिया है। ये EGR से रिलेटेड था। अभी गाड़ी में कोई फॉल्ट कोड नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ओनली EGR का एक फॉल्ट कोड आ रहा है, इसको भी हम क्लियर कर देंगे। आगे अब मैं आपको दिखाता हूँ, बाकी गाड़ी में कोई फॉल्ट कोड नहीं आ रहा है। अब जो है अब हम गाड़ी को ट्रायल करके भी आपको चेक कराते हैं। अभी इसकी वायरिंग जो है वो हमने कंप्लीट नहीं करी है, वायरिंग बाहर बाहर ही अभी हमने ऑलरेडी सारे कपलर लगा दिए हैं, उसको ऐसे ही रखा है। ये आप देख सकते हो इसका फ्यूज़ बॉक्स भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब गाड़ी को हम स्टार्ट कर लिए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो रेल प्रेशर अभी हमारा सही है और वायरिंग जो है इसकी पूरी अभी बाहर ही है। अब गाड़ी को हम ट्रायल करते हैं और आपको चेक कराते हैं कि सारा डाटा, जैसे कि इसमें व्हीकल स्पीड का आ रहा था फॉल्ट कोड, तो व्हीकल स्पीड सेंसर भी अभी हमने नया लगा दिया है और व्हीकल स्पीड हमारा काम कर रहा है। और इसके बाद जो गाड़ी में हमारा शॉर्ट सर्किट का कोड आ रहा था, तो गाड़ी को हम कुछ दूर ट्रायल करके देख ले रहे हैं कि गाड़ी में दोबारा से हमारा 5 वोल्ट का एरर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो रेल प्रेशर जो है ये हमारा अभी बिल्कुल सही बन रहा है। अगर ये आपका सही नहीं बनेगा तो रेल प्रेशर ट्रिम हाई लो का कोड आ जाता है। अभी जो है गाड़ी हमारी प्रॉपर है, गाड़ी में पिकअप भी सही है बिल्कुल। और जैसे कि आप देख पा रहे हो इसमें किलोमीटर सेंसर का जो फॉल्ट कोड आ रहा था पहले, वो भी अभी हमारा काम कर रहा है। और गाड़ी में फॉल्ट कोड आप देख सकते हो ओनली इसमें AC रिले एंड EGR से रिलेटेड एक फॉल्ट कोड इसमें आया हुआ है। बाकी गाड़ी जो है प्रॉपर अभी हमारी ओके कंडीशन पे है, जैसे कि आप देख सकते हो अभी हम इसे ट्रायल करके चेक कर रहे हैं। उसके बाद मैं आपको उसको गाड़ी को पूरी कंप्लीट कर लेता हूँ वायरिंग, फिर आपको चेक कराता हूँ। जैसे कि आप लाइव डाटा पे देख सकते हो किलोमीटर सेंसर भी हमारा प्रॉपर काम कर रहा है, व्हीकल स्पीड यहाँ पे आपको शो हो रहा है और गाड़ी पे मीटर पे किलोमीटर भी हमारा काम कर रहा है। बाकी 5 वोल्ट सप्लाई एरर का जो फॉल्ट था वो अभी तक तो नहीं आया है, वायरिंग हमने प्रॉपर ओके कर दी है। जैसे कि आप वीडियो पे देख पा रहे होंगे कि वायरिंग को हमने कंप्लीट कर दिया है, इसका जो डैशबोर्ड है इसको भी हमने कंप्लीट कर दिया है प्रॉपर। अब गाड़ी को मैं आपको दिखाता हूँ स्टार्ट करके। अब हम स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं मीटर पे कि गाड़ी में किसी भी तरीके की मल फंक्शन की जो लाइट है वो अब नहीं आ रही है, गाड़ी हमारी प्रॉपर ओके हो गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी आप देख सकते हो किसी भी तरीके की लाइट जो है गाड़ी पे नहीं है। और अगर आपकी गाड़ी में ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप हमारे पास आके चेक करा सकते हैं। हमारा जो एड्रेस है, शॉप का नेम है झारखंड डीजल, जो कि दुमका रिंग रोड में पड़ता है, ऊपर आपको विजिबल हो रहा होगा। ये गाड़ी अभी हमारी स्टार्ट है और किसी भी तरीके की चेक लाइट जो है वो गाड़ी पर नहीं आ रही। तो थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए।